हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हो जाइए तैयार एक बहुत ही चटपटी, स्पाइसी और मज़ेदार रेसिपी के लिए। आज मैं लेके आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल फेमस रगड़ा चाट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर चलिए, देर किस बात की, देख लेते हैं रगड़ा चाट की पूरी रेसिपी। और मुझे पूरा यकीन है इस रेसिपी को देखने के बाद आप भी अपने घर पर इसे ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। तो चलिए देख लेते हैं रगड़ा चाट की पूरी रेसिपी। रगड़ा चाट बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये पीले वाले मटर ले लिए हैं। इसे मैंने पानी में सोख करके कम से कम 7 से 8 घंटे इसी तरह से रख दिया था। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में इसे डाल दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे एक बड़ा आलू काट कर डाला है। इसमें हम डालेंगे नमक और अब हम इसे लीड लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। करीब 1 से 2 सीटी में ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने मटर को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है, ये हाथ लगाने पे बिल्कुल मैश हो जा रहा है और बस इतना ही हमें इसे पकाना है। अब जब हम मटर को तैयार करेंगे ना, उस वक्त भी मटर थोड़े से गल जाएंगे, तो इसीलिए हम इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो लीजिए, अब मटर को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। ज़ीरा डालकर हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, करीब 1 से 2 मिनट तक इसे चलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, साथ ही डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे मटर 250 ग्राम ले लिया है और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है। आपको इस रेसिपी में प्याज का पेस्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगने लगता है। अब यहाँ पे मैंने डाला है एक बड़ा टमाटर बारीक काट के। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट लगा कर आप इसे फ्राई कर लें। अब हम यहाँ पे डालेंगे काला नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया का पाउडर। साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और अब सारे मसालों को हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। तो लीजिए, यहाँ पे आप करीब 3 से 4 मिनट इस मसाले को फ्राई कर लें ताकि सारे मसालों में से जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और मसाले अच्छे से भुन भी जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मसाले अच्छे से अब भुन गए हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे ना, हमारे जो मटर है इसे हम अब ऐड कर देंगे। तो लीजिए, मटर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा से निखर कर आया है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा खाने में। आपको इसमें ऐड कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको इस तरह से एक मैशर की सहायता से थोड़े से आलू जो है ना इसमें, उसको मैश कर लेना है। इससे क्या होगा ना, इससे कुछ जो हमारे मटर है वो भी थोड़े मैश हो जाएंगे और जो आलू है ना वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे, और इससे जो हमारी कंसिस्टेंसी होगी ना मटर की इस सब्ज़ी की, वो ज़बरदस्त होगी। तो लीजिए, यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये जो मटर है ये बिल्कुल अब तैयार है। अब चलिए इसे प्लेट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिश ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है हमारा मटर। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे खट्टी दही। दही डालने से पहले आप अच्छे से दही को फेंट लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया वाला चटनी। इससे तो टेस्ट एकदम लाजवाब हो जाता है। तो लीजिए, हरा धनिया वाला चटनी भी आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे भुना जीरे का पाउडर। जीरा को अब थोड़ा सा सेक लीजिए और फिर उसे क्रश कर लीजिए। मिक्सी में मत चलाइएगा, उससे इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, ऊपर से डालेंगे कटा हुआ प्याज, साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेव। अब हम फाइनली इसे गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने बीट रूट के कुछ लच्छे काट के रखे थे, इसी को से हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, बनाने में ये कितना आसान है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं उसके लिए भी आप ये डिश आराम से बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, देर नहीं कीजिए, आप आज ही हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।